ईरान क्या कह रहा है पता है, अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हमारे रास्ते बंद कर देंगे। भारत फोन किया इजराइल को, यार मत मारिएगा, जापान करे मारना मत, रूस अपना हथियार लेके यहाँ लगा दिया, इजराइल को बोल दिया है कि ये देश यूएई इसके ठोड़वा पे ओमान है, ठोड़ पे कौन है ओमान, यहाँ देखिए एकदम पातर रास्ता हारमुज लिखा होगा, एकदम पातर रास्ता होगा हारमुज, देखिए जिसको भी तेल पेट्रोल खरीदना है वो हारमुज होके आता है यूएई, देखिए इधर मेरी ओर देखो सब लोग, लुक एट मी लिसन टू मी, मैंने हमरो देखो हमरे सुनो, लुक एट मी लिसन टू मी, अगर किसी को यूएई आना है तो इसी रास्ते से आएगा, यहाँ से यूएई इसी रास्ते से, बंदर अब्बास इसी रास्ते से, कतर इसी रास्ते से, सऊदी अरब इसी रास्ते से, बहरीन इधर ही से, कुवैत इधर से ही, इराक इधर से ही, ईरान इधर से ही, ऐसा पेट्रोल के भंडार है सर, दुनिया का ऐसा कौन देश बताइए जिसके पास पेट्रोल की जरूरत नहीं है, बंद हो जाएगी दुनिया जिस दिन पेट्रोल खत्म, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म, सारी बाइक खत्म, गाड़ी फोर व्हीलर खत्म, बस ट्रक ट्रेन जितना चीज डीजल पेट्रोल से चलता है खत्म, खेत में पंपिंग सेट खत्म, ट्रैक्टर खत्म, बैलगाड़ी सौर ऊर्जा वाला कितना देर चलेगा, सौर ऊर्जा वाला आई हवा भाई, चार को अगर डबल एक्सेल का आदमी बैठ जाता है तो आवाज करने लगता है वो मोटा मोटा चार को आदमी बैठ जाएगा ना, आवाज करने लगता है वहां पे, टेढ़ा हो गई ऊर्जा डेली दू को उलटता है अब ये एकदम पतला रास्ता है, ईरान क्या कह रहा है पता है, ईरान क्या कह रहा है, अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हमारे रास्ते बंद कर देंगे, तो भारत फोन किया इजराइल को, यार मत मारिएगा, हो हमारा कुल पेट्रोल ओनिये से आता है, जापान करे मारना मत जी बंद कर देगा तो हम यूएई से व्यापार कैसे करेंगे, यहाँ कतर कह रहा है कि मरियो मत, हम तो घेरा जी तो अकेले रास्ते बंद हो जी तो हमने लगे कोई भी नहीं करेगा, अब सब किसको समझा रहा है सब, हाँ इजराइल, और रूस अपना हथियार और सारी नेवी ले आके यहां लगा दिया है, समझा गया, और इजराइल को बोल दिया है कि इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, इस एरिया में आओगे तो ऑटोमेटिक मार देगा वो मिसाइल, इसलिए आना नहीं, अब इजराइल टेंशन में, ए बेचारा सबका जिंदगी बड़ी खराब है, वो ठीक हुआ हम लोग इधर नहीं पैदा हुए लोग, मैं तो लूह मार देता, अभी तो खाली बालू है फांकता है सब बालू है, धूल चढ़ते रहता है यहाँ पे, कपड़ा भी देखिएगा ना सऊदी अरब वालों को उसी तरह का रहेगा, तोप पहनता है सब, तोप बोला जाता है उसको, उनका कपड़ा ऐसे ही होता है धूल से बचाने के लिए, पूरा दहिया ढकाई लेता है, फिर एगो गमछा लेकर रखता है, गमछा उड़ मत जाए, एगो सिगड़ी बन ले रहता है यहाँ पर उसको कौन सी बोलते हैं लोग, हम लोग यहाँ उसमें ना गांव में आप लोग का दूध पतीली रखा जाता है कि नहीं, इसे लटका के, हाँ सिक्का में ऐसे लटका के, ऐसे में ऐसे टांग के इसे रख दिया जाता है, पता नहीं आप लोग देहात के हैं कि नहीं है, तो ऐसे पहन लिया जाता है कि उन लोग को धूल उल ना लगे, आप तो कपड़े उसी टाइप के होते हैं, अब हम लोग हाई कपड़ा सऊदी अरब में पहन सकते हैं, बालू भर जाएगा पूरा ही कॉलर के रास्ते से, जा रहा हो कहा हो तो बालू भर गिलो, मीटिंग में आए हैं जेब में से बालू निकालने, उन लोग का कपड़ा भी वैसे ही रहता है, ज्योग्राफी डिसाइड करता है कि आपके कपड़े कैसे होंगे, आपका भोजन कैसे होगा, सऊदी अरब में बैठ के तनी कहिए तो शाकाहारी खाओ, तो पहले आपको सब मुंह उठा कर देखे शाकाहारी खाओ, रेगिस्तान में साग उगतो आप कहां से खा जाएंगे उसमें, नहीं समझ आ गया, इसलिए देखिएगा भारत में बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है शाकाहार पे, क्योंकि हमारे यहां दुनिया की सबसे अच्छी मिट्टी है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप,